पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। भी क्या है इस सभा में हम और शशमाग, जो पहले बालवीर रह चुका है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि भी क्या है। भी बालवीर का ऊर्जा स्रोत है। जो भी बालवीर बनता है उसे उसकी शक्तियों और जादू के लिए ऊर्जा इसी भी से मिलती है। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस बी को आकाश गंगा के सबसे चमकते तारे वीर तारे पर ले जाकर कहीं छुपा दिया था, क्योंकि बी को नष्ट करते ही बालवीर तो खत्म हो ही जाता, उसके साथ साथ बालवीर की परंपरा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती, फिर कोई कभी बालवीर नहीं बन पाता। इसलिए दुश्मनों से बी को, बालवीर को और बालवीर की परंपरा को बचाए रखने के लिए उसे इतनी दूर ले जाकर छुपाया गया था। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे बी को नष्ट करने का काम किसी दुश्मन को नहीं, खुद हमें और शाश्वान वासियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अब बालवीर ही हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर महामहिम, अगर बालवीर ही नहीं होगा तो दुनिया की रक्षा करेगा कौन? हम फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और हम इस ब्रह्मांड को एक नया महायोद्धा देंगे, एक नया सुपर हीरो देंगे। हम सब आपके इस निर्णय से सहमत हैं महामहिम। हाँ महामहिम, सही निर्णय है। तो हमारा यह आदेश है कि बी को नष्ट करने के लिए वीर तारे पर जाने की तैयारी शुरू की जाए। मतलब बी नष्ट होते ही बाल भी मर जाएगा? शशमाग, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, मगर इसी में हमारा फायदा है। हमारा सच बालवीर के सामने आते आते रह गया, मगर वो मां आदिशि की मृत्यु का सच जानने की कोशिश करता रहेगा। एक बार पूजा उसके हाथ लग गई थी, कोई और लग गया तो? बालवीर मरेगा तो तुम सुकून से जी पाओगे। हाँ, यही है वो स्मृति बीज जिसमें माँ आदिशि की यादें छिपी हुई है, उस दिन की भी जिस दिन माँ आदिशि की हत्या हुई थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त मेरे बालवीर बनने से ज्यादा बालवीर का मरना जरूरी है। इस पर अपना हाथ रखो काशवी, और फिर एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर, ये तुम्हारी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड कर लेगा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बता दूं कि बालवीर ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, मगर अभी तुम तैयार नहीं हो। पहले मैं धीरे धीरे तुम्हें बालवीर के खिलाफ करूंगी, और जब वो हो जाएगा तब
ये बड़ा पॉम्प फोड़ूंगी तुम पर। फिर तुम गुस्से में तिल मिलाकर बालवीर को खुद महाजादू से खत्म कर दोगी। ये जाम बालवीर के अंत के नाम। अब बस वीर तारा पर जाकर बी का नामो निशान मिटाने की देर है, फिर बालवीर हमेशा के लिए इतिहास हो जाएगा। बेचारा बालवीर, दीते जी जान ही नहीं पाया कि उसकी माँ को किसने मारा। कोई बात नहीं, माँ आदिशी के पास पहुंचकर उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी माँ को तुमने मारा है। हाँ, बुरी किस्मत पाई है बेचारे ने, ना अपनी माँ को बचा पाया ना खुद को बचा पाएगा। बचेगा तो तू नहीं शशमाग। मुझे पता चल चुका है शशमाग, तू नहीं मारा है मेरी मां को। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शशमाग। बालवीर, जय जाओ। बालवीर, मुझे माफ कर दो। माफी मेरी माँ से मांगना। शशमाग, तुझे तो वो मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि तू नरक में सड़ेगा। शशमाग, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सपना देखा हो बात की? बालवीर को पता चल गया कि महादेशी को मैंने मारा। सपना? अरे शशमाग, अरे सपने तो मुझे भी रोज आते हैं कि मैं इस शाश्वान लोक का महामहिम बन गया हूं और सारे लोग मुझे शाश्वान रहे कह रहे हैं। मगर ये सपना है शशमाग, तुम बेकार डर रहे हो। हमने सारे गवाह सारे सबूत नष्ट कर दिए। ले देके वो कुर्जा बची थी, उसके तुमने पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए। सब तो ठीक चल रहा है। नहीं हो बात, जंग का नियम है, जब सब कुछ सही जा रहा हो तो समझो कुछ बहुत गलत है। पर ऐसा क्या है जो मेरी नजरों से छूट रहा है? और जो नजर के सामने है उसका क्या? इसकी बात कर रहे हो तुम? वो औरत जो बालवीर के साथ थी, जिसने कूर्जा को कैद किया था। शशमाग, मुझे तो पक्का यकीन हो रहा है कि वही औरत बालवीर को सजा से बचा के ले गई थी। कौन है वो औरत? मैं नहीं जानता। तो पता करो ना, उत्तान को जरूर मालूम होगा। उत्तान से पूछ लो। उत्तान से? अगर उत्तान ने सामने से सवाल कर लिया कि मुझे कैसे पता, फिर तो कह देना कि हम बालवीर। क्या कह दो? कूर्जा को हमने रूघर से आजाद करके महादेशी के शरीर में डाल दिया, क्योंकि महादेशी तो मर चुकी है। और फिर हमने बालवीर पर नजर रखते हुए ये देखा कि कूर्जा उस औरत की कैद में है, और फिर हमने उस लालटेन को ले जाके रूघर में जला डाला। सब कुछ बता दो उत्तान को। माफ कर दो, गलती हो गई। बात गलत थी लेकिन सवाल एकदम सही। पर इस वक्त सवाल यह है कि क्या है जो हमसे छूट रहा है? क्या? माँ आदिशी की यादें तो मिल गई, लेकिन इन यादों को देखने के लिए हमें बालवीर, मैं समझ सकती हूँ कि माँ आदिशी की रूह को जाते देख
तुम्हें कैसा लग रहा होगा? बस एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि माँ के अंतिम समय पर मैं उनके पास नहीं था, लेकिन ये एहसास भी है कि रोशन लोगों के साथ माँ हमेशा खुश रहेंगी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।